लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक मार्किंग की थी उसके आगे मार्किंग करना शुरू करते हैं। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी है तो ऐसा लग रहा है कि इसकी मार्किंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कब ख़त्म होगा सोचो ना। तीन फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ऑब्वियसली इट गोना टेक टाइम। तो देखते हैं आज अपन कहाँ तक मार्क कर पाते हैं। सेक्शन 12.8.1 एंड कोशिश करेंगे 12.8.2, इतना आज कम से कम मार्क कर लें। अरे बाप रे, 12.8.2 तो काफ़ी बड़ा है। 12.8.1 करेंगे, 12.8.2 के दो सब पार्ट्स बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है चलो, तो 12.8.1 वाला जो सेक्शन है उसमें बेसिकली आपको अलग अलग प्रकार के टेस्ट दिए गए जिससे आप लैब में पहचान सकते हो कि आपको दिया हुआ कंपाउंड सैम्पल एक्चुअली, जब आप फ्यूचर में केमिस्ट्री की अगर पढ़ाई आप करने की तो कैसा है, छोटा छोटा 5-5 ml का, 3-3 ml का हार्डली सैम्पल मिलता है, बल्कि मैंने शायद 3 ml भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। उस सैम्पल में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर सैम्पल में कौन सा कंपाउंड, कौन से फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड मौजूद है। अब ऑब्वियसली उसके कुछ टेस्ट होंगे, हमें उन टेस्ट को फॉलो करना पड़ता होगा। जिस तरीके से ब्लड टेस्ट किया जाता है अलग अलग डिसीज़ को पता करने के लिए, उसी प्रकार से। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं फिर। तो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इस पे हम लोगों की बातचीत चलेगी। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों के पास कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि एक होता है स्किफ टेस्ट, एक होता है टोलन्स टेस्ट और एक होता है फेलिक टेस्ट। फिलहाल तो मैं इन तीन टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। इन तीनों टेस्ट में क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा रिएजेंट होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक्चुअल में, रियलिटी में आपको ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है। उन रिएजेंट्स की कोई क्या कहते हैं स्ट्रक्चर वक्चर याद करना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा याद रखना है, बात वहीं ख़त्म होती है। ठीक है, खैर अब जैसे क्वेश्चन आपको लेट से पहला पूछ लिया गया, व्हाट इज स्किफ टेस्ट, ये आ गया क्वेश्चन, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, किसी एमसीक्यू में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी स्किफ रिएजेंट। 1 mark के लिए आ सकता है कि आइडेंटिफाई करिए इसमें से स्किफ रिएजेंट कौन सा है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा मार्किंग तो इसमें खैर है नहीं। यही लिखना है कि जब हमारे पास अल्डिहाइड का अल्कोहलिक सोल्यूशन था और अल्डिहाइड के उस अल्कोहलिक सोल्यूशन को हमने स्किफ रिएजेंट के साथ डाला, तो पिंक या फिर रेडिश पिंक या फिर मैजेंटा कलर अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो अल्डिहाइड ग्रुप है, खत्म। ठीक है, समझ जाइए कि वो कौन है आप लोगों का अल्डिहाइड है। तो इसमें जो एक चीज़ आपको अपनी नोट्स कॉपी में लिखनी है वो ये पिंक, रेड और मैजेंटा कलर। हर टेस्ट में आपको सेम कलर मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैजेंटा मिला है तो आगे भी अलग अलग टेस्ट में आपको मैजेंटा ही मिलेगा, आपको कुछ अलग भी मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए स्किफ टेस्ट में कौन सा वाला मिलने वाला है, मैजेंटा मिलने वाला है, ये याद रखना। अब मैडम आपने कहा कि अल्कोहलिक सल्यूशन जो एल्डिहाइड का है उसको मिक्स कर दो, अगर मिक्स करने के बाद ये कलर दिखा, फलाना कलर दिखा, तो आप कहना कि हाँ एल्डिहाइड है, बट किसके साथ मिक्स करें, द पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये डू यू नो वाला फैक्ट, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ध्यान मत रखो, इग्नोर करो, बट इस बार इस केस में आपको ये डू यू नो वाले फैक्ट को ध्यान में रखना है कि आखिर स्किफ टेस्ट में स्किफ रिएजेंट आखिर है कौन। ठीक है, स्किफ टेस्ट में आखिर स्किफ रिएजेंट है कौन। तो देखो स्किफ रिएजेंट को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है स्किफ रिएजेंट को, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, बराबर, आप उसको पैरा रोसनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये है आपके पास पैरा रोसनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसके पास से आप SO2 गैस को अगर आप पास करते हो तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है और इसको हम लोग स्किफ रिएजेंट कहते हैं, ख़त्म। ये आपको लेकिन याद रखना है, ये नोट्स में आप लिख के रखिएगा, MHT CT जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें आसानी से पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्किफ रिएजेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार
इसको मैं सिर्फ इसके फ्रेजन में कह रहा हूँ। डन। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वगैरह मुझे नहीं लगता याद करने की नीड है, बट नाम पता होना चाहिए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसको नोट्स में इंक्लूड करो और एक दो बार इसकी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लो, क्या भरोसा किसी दिन आ जाए एमसीक्यू में, कोई भरोसा नहीं है ना। खैर, अल्डिहाइड को पहचानने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं टोलन्स टेस्ट। ठीक है, ये जो आपका टोलन्स टेस्ट है इसको तो भैया सिल्वर मिलर टेस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो चांदी कितना ज़्यादा चमकती है, देखा है ना। हाँ, तो जब भी आप ये टेस्ट करते हैं, आप जिस भी वाटर बाथ में इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं, जैसे उसकी जो इनर सरफेस होती है उसकी पूरी की पूरी इनर सरफेस एकदम क्या हो जाती है, चमकने लगती है एकदम चांदी के जैसी। क्योंकि एक्चुअल में उस रिएक्शन के दौरान सिल्वर प्रोड्यूस होता है, और वो सिल्वर उस पर्टिकुलर जो भी आपका कंटेनर है उसकी बाउंड्री पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, उसकी बाउंड्री पे बोलो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, उसकी बाउंड्री पे बोलो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, एक सिल्वर मिरर टेस्ट, बराबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि जो भी आपका एल्डिहाइड है आप उस एल्डिहाइड को टोलन्स रिएजेंट के साथ डालिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अलग अलग स्टेट्स की जो सीईटी है उन सीईटी पे कई बार आपको ये पूछा जा चुका है कि अगर आप किसी भी क्या कहते हैं टोलन्स रिएजेंट को यूज़ करेंगे तो किसका आइडेंटिफिकेशन होगा, है ना, बराबर, ये वाली चीज़। तो ध्यान रखना कि ये वाली जो चीज़ है एल्डिहाइड, ठीक है, इसके लिए है। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे केस में कई बार ये भी पूछा जाता है कि आखिर टोलन्स रिएजेंट कौन है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टोलन्स रिएजेंट। ठीक है, जैसे ही आप टोलन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे आपका जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये RCHO कन्वर्ट हो गया RCOO नेगेटिव में, ठीक है, और अमोनिया गैस इसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ में AG बन रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, बल्कि मुझको ये कहना चाहिए, ठीक है, बल्कि AG क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, बराबर। अच्छा ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें देखो रिएक्शन जब हुई तो आपके ये जो कंपाउंड आपने लिया था, आपने क्या कंपाउंड लिया था, एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो AG की वैलेंसी थी या ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +1 थी, और वो क्या हो गया, AG 0 में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो AG है यानी कि जो सिल्वर है उसका बोलो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो JEE मेंस वगैरह में कई ऐसे क्वेश्चन हैं तुम लोगों को जो पूछे जा सकते हैं कि टोलन्स टेस्ट के दौरान बताइए कि हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितने का चेंज हुआ, 1 से 0 हुआ, 1 से 2 हुआ, 1 से 3 हुआ, वॉट एवर, कि 0 से 1 हुआ, रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, ये इस तरीके के छोटे छोटे सवाल। तो ये एक इंसान को तभी पता होगा जब वो ये सब चीज़ों को बारीकी से सीखेगा, कौन सी गैस रिलीज़ होती है ये पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है। अच्छा ठीक है यार, तो ऐसे केस में ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो तुम्हारा पूरा का पूरा टोलन्स रिएजेंट वाला ही टेस्ट है, तो उसमें सब कुछ आ गया, बट अलग से नोट्स कॉपी में आपको ये पॉइंट लिखना है, व्हाट इज़, ठीक है, टोलन्स रिएजेंट, बराबर, और उसके बाद फिर आपको ये लिखना है कि एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का टोलन्स रिएजेंट, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन अलग से लिखना, व्हाट इज़ टोलन्स रिएजेंट, क्वेश्चन नंबर 3 अपना बनाओगे और ऐसा लिखोगे व्हाट इज़ टोलन्स रिएजेंट। क्यों मैं लिखवा रही हूँ ऐसा, वो इसीलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ लिखा है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा होगे आप लोगों का कि राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन, ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफिकेशन, इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफिकेशन, एक मिनट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम टोलन्स रिएजेंट। यानी कि टोलन्स रिएजेंट से अगर आपको अल्डिहाइड पता लगाना है तो आपको जो रिएक्शन लिखनी है, बराबर, वो रिएक्शन आप लिख कर दीजिए, ठीक है। तो
ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट रिएक्शन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एक और बना के दे रही हूँ, वो भी आपको लिखना है। व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एजी, ठीक है, ड्यूरिंग टोलन्स टेस्ट। तो आपको वहाँ पे अपना आंसर क्या लिखना है कि बिफोर रिएक्शन द टोलन्स रिएजेंट कंटेन्स एजी हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट एज +1, आफ्टर रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस टू 0, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखना है, ड्यूरिंग टोलन्स टेस्ट, अगर कोई टोलन्स टेस्ट होता है, ठीक है, विच गैस इज रिलीज्ड, कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक बार नीचे ये डू यू नो वाले फैक्ट को देख लेते हैं, यहाँ कुछ हो सकता है भैया उसने कुछ अच्छा लिख के रखा हो सकता है हमारी निगाह नहीं जा रही हो उस तरफ, तो थोड़े आँखों को वहाँ भी ले चलते हैं। देखो तो इसमें क्या बोला है, ध्यान दो, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच इज देन डिजॉल्व्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि टोलन्स रिएजेंट के दौरान क्या बनता है, एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। कब बनता है, जब हम टोलन रिएजेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, है ना, जब हम AgNO3 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम लोग का AgNO3 NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो इनकी रिएक्शन से एक क्या होता है, ब्राउन कलर की PPT बनती है। अब ये ब्राउन कलर की PPT को हटाने के लिए हम लोग इसके अंदर क्या डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, इसीलिए इसे कहा जाता है एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपके नोट्स में इंक्लूड कर देना, ये पता होना चाहिए कि AgNO3 और NaOH की रिएक्शन से पहले ब्राउन PPT बनी थी, और उसके बाद उस ब्राउन PPT को हटाने के लिए उन लोगों ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला गया, है ना, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से डाला गया। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर, अभी क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं एक बार। कहाँ गया यार मार्किंग, कहाँ गई हमारी, हाँ फेलिक टेस्ट, ये भी एक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगा, व्हाट इज़ फेलिक टेस्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज़ फेलिक टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको FT लिख रही हूँ। अब देखो इसमें क्या है, इसके पॉइंट्स मार्क कर लेना, कि जब हम एक अल्डिहाइड का मिक्सचर और एक फेलिक सॉल्यूशन का बॉईल करते हैं हॉट वाटर में, एक रेड प्रेसिपिटेट तैयार होता है। ध्यान रखना, सबसे पहला टेस्ट जो पढ़ा था उसमें आपका कौन सा प्रेसिपिटेट तैयार हो रहा था, उसमें आप लोगों का एक मैजेंटा कलर बन रहा था, प्रेसिपिटेट नहीं, रेड या फिर मैजेंटा कलर बन रहा था। सेकेंड में सिल्वर कलर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको दिख रहा था, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा है, और सिल्वर का कलर तो सिल्वर ही होता है। फेलिक टेस्ट में कौन सा वाला कलर आपको देखने को मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट कलर है प्रेसिपिटेट, 1 मार्क्स 2 मार्क्स MCQ MHT CT कहीं पर भी क्वेश्चन एकदम आसानी से पूछ लिया जाएगा कि बताइए फेलिक टेस्ट में क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या कहते हैं, कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और किसकी वजह से बनता है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से बनता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बोला है कि एन अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब पॉइंट नंबर 2 कि अल्डिहाइड जो हमने लिया था वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में, ऑब्वियसली उसको फेलिक सॉल्यूशन में जो फेलिक है उसने कन्वर्ट किया होगा, है ना, वो कन्वर्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा और क्या बोल रहा है, उसमें चीज़ें और क्या बताई जा रही हैं, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो कॉपर 2+ था वो रिड्यूस हो गया कॉपर प्लस में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जब हमने रिएक्शन शुरू की थी तो आप लोगों का जो Ag+ था वो कन्वर्ट हो गया था Ag में, है ना, और अभी इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो कॉपर 2+ है वो कॉपर 2+ क्या हो रहा है आप लोगों का कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, ठीक है, क्लियर है वाली चीज़, ओके डन। जो आगे बढ़ते हैं फिर, अब इसमें ये हो गया नॉर्मल, अगर फेलिक टेस्ट का शॉर्ट नोट आएगा तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1,
ये हो गया पॉइंट नंबर टू और ये हो गया पॉइंट नंबर तीन। ये नॉर्मल तरीके से अगर शॉर्ट नोट आया तो क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, व्हाट इज द, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि कौन सा मेटल है, कॉपर है कि सिल्वर है, वो आप सोचो, आपकी टेंशन। तो अच्छा, उसके अलावा एक इसके आगे एक्सटेंशन मैंने दे दिया, नेम दैट मेटल। उस मेटल का पहले तो आप नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा आंसर में, द मेटल दैट वी यूज इन फेलिक टेस्ट इज कॉपर, बिफोर रिएक्शन इट वॉज आप लोगों का कॉपर टू प्लस, आफ्टर रिएक्शन इट बिकम्स कॉपर। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। सो इन दिस वे आप लोगों का ये पार्ट क्या होगा, ख़त्म होगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्लियर है। अच्छा चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्या है, हाँ एक और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट इन फेलिक टेस्ट। तो आपको लिखना है द रेड कलर जो है। अच्छा, एंड वाई इट इज़, और ये भी पूछ लिया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है, बराबर, आखिर ऐसा क्यों है, बराबर। तो वहाँ लिखना है इट इज़ रेड कलर एंड इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। क्यूपरस मतलब कॉपर की जरूर वहाँ पे वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन रही होगी, ऑक्साइड की तो भाई माइनस टू ही रहेगी, क्रिस क्रॉस करोगे तो हो जाएगा CU2O, ठीक है, बराबर। अच्छा चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे में एक पॉइंट और है, ये पॉइंट थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको मार्क करके रखो। वैसे तो फेलिक टेस्ट, टोलन्स रिएजेंट टेस्ट और ये जो स्किफ टेस्ट है ये स्ट्रिक्टली एल्डिहाइड्स के लिए, बट आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट्स में बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखना। साफ साफ मैं बता दूं, अगर मुझको पेपर सेट करना हो, मैं चार ठोक ऑप्शन दूंगी और बोलूंगी विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव फेलिक टेस्ट, और उसमें मैं एक भी एल्डिहाइड नहीं दूंगी। जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो क्या सोचेंगे कि अरे फेलिक टेस्ट तो एल्डिहाइड के लिए होता है, मतलब डबल बॉन्ड ओ और एच तो दिखना चाहिए, बट मैं दूंगी नहीं। मैं क्या करवाऊंगी कि उसमें एक ऑप्शन में दे दूंगी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कीटोन होगा और उस कीटोन की जो कार्बन होगा बाजू वाला उसके ऊपर OH लगा होगा, मतलब अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे, अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे, सॉरी अल्कोहल और कीटोनिक ग्रुप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फेलिक्टस दे सकता है। जिस बच्चे को ये चीज़ पता होगी वो मार्क कर देगा, और जिसको नहीं पता होगी वो सोचेगा ये क्वेश्चन ही गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी चार ठोक ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाएगा कि अच्छा ये देता है कि ये नहीं देता है, इस टाइप से, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कैन यू टेल वाली चीज़ में खैर छोड़ दो, यूज़ योर ब्रेन पावर, व्हाई इस बेंजल डिहाइड इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय फेलिक सॉल्यूशन, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इसका आंसर प्रॉपर तरीके से टारगेट में लिखोगे, और ये भी पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे मैडम आपने तो समझाया नहीं, सीधा आप टारगेट से लिखने को कह रही हो। नहीं यार, मैं समझा चुकी हूँ, जब मैंने अलग से टोलन्स फलेग ये सब पढ़ाया है ना, तब इसको समझाया है उस पूरे वीडियोस में, ठीक है, पढ़ाया है ये चीज़। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मान लेते हैं चार पाँच प्रकार के एल्डिहाइड दे दिया और बोलेगा कि बताइए इसमें से रेड PPT किसमें नहीं बनेगी। तो हमें से बताए मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे कि अरे बेंजल डिहाइड भी तो एल्डिहाइड है और फेलिक टेस्ट तो वैसे भी एल्डिहाइड वाले लोगों के लिए होता है, तो बेंजल डिहाइड को तो वो कन्वर्ट करेगा ही करेगा, बट नहीं, बेंजल डिहाइड इज़ नॉट ऑक्सीडाइज बाय फेलिक सॉल्यूशन, ये लिख के रखो। जिस तरीके से ऊपर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप आप लोगों का शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, आप लोगों का फेलिक टेस्ट पॉजिटिव शो कर रहा है बीन अ कीटोन, क्योंकि कीटोन नहीं करते है ना, क्योंकि कीटोन नहीं करते, बराबर, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसका रीज़न तो खैर मैं बता ही हूँ, बट कर रहा है इसलिए कि याद रखना कि बेंजल डिहाइड नहीं करता है। वैसे ही ये तीन टेस्ट ख़त्म होते हैं। अब आपको कीटोन वाले लोगों के लिए भी भाई कुछ टेस्ट है, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये चारों ही टेस्ट अपने आप में यार बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो अब लेबोरेटरी टेस्ट देखो कीटोनिक के लिए क्या, कीटोन्स के लिए क्या। देखो कीटोन का अगर आपको टेस्ट करना है तो लैब में ताज़ा ताज़ा सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का सोल्यूशन आपको बनाना पड़ता है, उसको आप ऐड करते हो कीटोन में, अच्छे से शेक करते हो, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, इन तीनों को जब मिक्स करते हो तो एकदम ब्लड रेड कलर आपको देखने को मिलता है और ये बताता है कि हाँ वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। मुझे पूरी एंटायर केमिस्ट्री में, मेरा मतलब केमिस्ट्री को चूज़ करने का रीज़न ही ये रहा है कि उसमें जब हम लैब्स में रिएक्शन करते हैं ना, वो रिएक्शन में जो दिखता है कि अरे वाह इसमें ये कलर बना, अरे इसमें ये हुआ, अरे इसमें वो हुआ, वो रियलिटी लगती है। मतलब कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा यार कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ पता चल रहा है, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, नॉट डिस्कवर, कुछ सीख रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स की तरफ उतना खैर नहीं है क्योंकि वायर है, सर्किट है, ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ तो खैर केमिस्ट्री में भी बनाने पड़ते थे, बट फिर भी मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती थी, ब्यूटीफुल लगता था, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, कि अपन लैब में कुछ टेस्ट आउट कर रहे हैं। तो कीटोन का अगर आपको टेस्ट करना है तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइट का सोल्यूशन चाहिए होगा, उसको आपको जिसमें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदे के अंदर, इस सैंपल के अंदर आपका कीटोन मौजूद हो सकता है, आप उसमें डाल दीजिए। अगर डालने पर वो आपको दे देता है ब्लड रेड कलर, एकदम मरून टाइप का, बल्कि आप याद रखिए, तो मतलब वो कीटोन है। ठीक है, कई बार कैसा होता था, हम लोग जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में या 11th 12th में प्रैक्टिकल्स करते थे तो हम लोगों के जो टीचर्स होते थे है ना, वो लोग क्या करते थे, हमको उनको पहले से पता होता था कि सैंपल क्या दिया है, कि उसमें एल्डिहाइड है, कि उसके अंदर नहीं है, उनके अंदर कीटोन है नहीं, उनको सब पता होता था। वही लोग तो क्योंकि सैंपल बनाते थे केमिकल्स को कूट कूट के। अब हम लोग जब भी करें, हम लोग बोलें कि नहीं मैडम हमारा कीटोन इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लेकिन हमारी टीचर एकदम अड़ी रहे उस पर कि नहीं नहीं कीटोन नहीं है इसके अंदर, हम लेकर जाएं कि देखिए ना मैडम ये आ तो रहा है करके, है ना, ये देखिए ना मैच तो हो रहा है ना करके। तो ऐसे में होता ये था कि कई बार कैसा होता है, जो आप ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड आप बनाते हो, ठीक है, ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड अगर आपका फ्रेश नहीं है, ठीक है, अगर ये आपका फ्रेश नहीं है बराबर, तो ऐसे में आपको गलत टेस्ट दे मिल जाते थे। ठीक है, अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि इसका फ्रेश बना होना कितना आवश्यक है। अगर आप इसको फ्रेश नहीं बनाएंगे तो आपको ये गलत टेस्ट भी दे सकता है। खैर, तो इसके अलावा ये उसकी रिएक्शन है कि ये रहा आपका एक कीटोन जो कि इन्होंने एसीटोन लिया है, इसमें उन्होंने OH निगेटिव डाला तो समथिंग समथिंग ये बना, फिर इस समथिंग समथिंग में उन्होंने नाइट्रोप्रूसाइड डाला तो समथिंग समथिंग ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना। हमने ये चैप्टर पढ़ा है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, हाँ ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना, और ये बड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है बताओ ये आप लोगों का क्या है, रेड कलर देता है। ठीक है, बराबर। खैर, तो अभी अगर आपको क्वेश्चन आया, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा, ऊपर 7 हो गया था, 8 हो गया था, ये 9 था, ये 9 था, ये ब्रेन पावर वाला 10 था, तो यहाँ से 11 कर देना कि व्हाट इज लेबोरेटरी टेस्ट, LT लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, फॉर कीटोनिक ग्रुप। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लिखना कि व्हेन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन इज एडेड टू आपका कीटोनिक मिक्सचर एंड इट इज शेकन एडेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड देन अ डीप रेड कलर इज फॉर्म्ड वगैरह वगैरह, तो आप कहोगे कि हाँ वहाँ पे कीटोन ग्रुप क्या हो गया है, कन्फर्म हो गया है। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है उसमें, अब आगे सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे आसानी से अगर मुझको लेट से मेंस का पेपर तैयार करना हो, मैं पता है क्या करूँगी, सीधा क्वेश्चन मेरा रहेगा, आइडेंटिफाई द रिएजेंट विच इज़ यूज टू टेस्ट कीटोनिक ग्रुप्स, मैं ये पूछूँगी। ठीक है, तो जिसको पता है कि अच्छा कि सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज़ करते हैं, वो देखेगा कि भैया सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड किधर है और पटापट मार्क कर देगा, ख़त्म। तो अभी यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला, तो ये होता है Na, उसके बाद होता है Fe, फिर होता है साइनाइड, वो भी 5, और होता है NO, अच्छा Na2 होता है, सॉरी। अब जैसा कि मैं बताई हूँ कि हम लोगों ने वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि Fe यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है,
Fe क्या है यहाँ पे, सेंट्रल एटम. ये जो साइनाइड और ये NO जो दिख रहे हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके लीगेंड्स हैं. ये क्या हैं, आपके लीगेंड्स हैं. अगर मुझे मेंस का पेपर तैयार करना हो, मैं कैसे तैयार करूँगी कि कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिएजेंट यूज़ किया जाता है. बताइए उस रिएजेंट, अच्छा, जो कि अगर टेस्ट पॉजिटिव रहे तो रेड कलर देता है. ये सारी हिंट मैं दूंगी ताकि एक स्टूडेंट के दिमाग में ये फिट बैठ जाए कि अच्छा, ये इंसान मतलब आपके सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड के बारे में बात कर रहा है. लेकिन मैं पूछूंगी नहीं कि बताइए फॉर्मूला क्या, ये कोई मतलब ये क्या JEE वगैरह में पूछने लायक सवाल है क्या. मैं उसमें क्या पूछूंगी अगर मेरे को फ्रेम करना रहा कि बताइए वहाँ पे उस पर्टिकुलर रिएजेंट के अंदर कौन कौन से लिगेंड्स पाए जाते हैं. तो जिसको पता होगा वो मार्क करेगा कि एक साइनाइड होता है और एक NO होता है ना. फिर हो सकता मैं ये पूछूं कि वो जो सेंट्रल एटम आप यूज़ करते हैं वो सेंट्रल एटम, ठीक है, बोलो क्या होता है. तो पता होना चाहिए कि वो आयरन होता है, राइट. या मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि बताइए टोटल कितने लिगेंड्स हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि साइनाइड के 5 लिगेंड्स है और NO का 1 लिगेंड है, तो टोटल कितने लिगेंड्स हो गए, 6 लिगेंड्स हो गए. ठीक है, टोटल कितने लिगेंड्स हो गए, 6 लिगेंड्स हो गए, बराबर. टोटल कितने हो गए, 6 लिगेंड्स. अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं पूछ सकती हूँ. उसके अलावा मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि अगर जब रिएक्शन होने की थी, तब देखो जब रिएक्शन होने की थी, रिएक्शन होने से पहले इसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी थी, 2 नेगेटिव. रिएक्शन होने के बाद कितनी पावर हो गई, 3 नेगेटिव. खैर वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट द कंसर्न इज कि पहले साइनाइड 5 था, बाद में भी साइनाइड 5 है. पहले NO अकेला था, अभी भी NO अकेला है, बट पहले उसके साथ CH3CO CH3 2 नहीं था, अब वो CH3CO CH2 भी अंदर चला गया उस स्क्वायर ब्रैकेट के. तो मैं कल को तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकती हूँ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स आप बताइए, ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड इन कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए जो आपने यूज़ किया हो, ये भी पूछ सकती हूँ. तो आपको बनाना पड़ेगा कि ये होगा मैडम. अब क्योंकि मैंने एसीटोन लिया है इसीलिए ये होगा, अगर मैं कोई दूसरा कीटोन लेती तो कुछ और होता, बट जो भी होता है वो कीटोन का एक हाइड्रोजन अगर आप छोड़ दें, सी डबल बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो उसको छोड़ के सब अंदर चला जाता है. तो जैसा कि हमारी पहले बात हुई थी कि पहले कितने लिगेंड्स थे, यहाँ 6 थे, अब देखो कितने हो गए, 7, 5, 6 और ये ब्रैकेट वाला 7. तो ये आपको पता होना चाहिए कितने का चेंज हुआ, पहले नंबर ऑफ लिगेंड 6 थे, अब नंबर ऑफ लिगेंड 7 हो गए, है ना, ये वाली चीज़ें. तो ये एक और क्वेश्चन बन गया. फिर इधर ऊपर आएंगे तो ऊपर एक और लिखा है, एक मिनट, फिर तो ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यार. 12.8.2 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शंस हैं अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो इसकी मार्किंग मैं अभी नहीं करा रही हूँ, उसकी हम कल करेंगे. अच्छा, इधर नोट्स में एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हमने बात की कि आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं. तो फेलिक सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फेलिक ए और एक होता है फेलिक बी. अब आपको याद रखना है कि फेलिक ए मतलब क्या और फेलिक बी मतलब क्या, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है. अगर आप कॉपर सल्फेट को मिक्स करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में तो बेसिकली ए बनेगा, सिंपल है, कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4. अगर आप मान के चलते हैं फेलिक बी बनाना चाहते हैं तो आपको पहले तो एसिड को हटाकर बेस लेना पड़ेगा. कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम सभी का पसंदीदा NaOH, और आपको कॉपर सल्फेट हटा के आपको लेना पड़ेगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी फेलिक बी. तो ये भी आप अपने नोट्स में लिखिएगा कि फेलिक ए सोल्यूशन कैसे कंपोज होता है, फेलिक बी सोल्यूशन कैसे कंपोज होता है. आगे जाके फ्यूचर में लैब्स में ये सारे केमिकल्स आपको खुद बनाने हैं, रिएजेंट्स आपको खुद बनाने हैं. तो एक बार पीछे एक्सरसाइज में टैली कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो जो आज पढ़ा, जितनी भी मार्किंग हमने की, इसका पीछे क्या कोई क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अब देखो, लो एक क्वेश्चन यही दिख गया, बेंजल्डिहाइड डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट. ये यूज़ योर ब्रेन पावर वाला सवाल है. बेंजल्डिहाइड कौन सा टेस्ट नहीं देता है, फेलिक वाला नहीं देता है, ख़त्म. जिसको याद है वो मार्क करेगा, अगर लेट से बोर्ड्स में आया है तो बोर्ड्स के नंबर उठाएगा, MHTCT में आया है तो MHTCT से नंबर उठाएगा, कभी मेंस वगैरह में आ गया तो वहाँ से नंबर उठा लेगा. ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं आते ऐसे सवाल, बिल्कुल आते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बहुत हाई फंटूश आएगा, वो ऐसा छोटे 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 पॉइंट्स को भूल जाते हैं,
ठीक है। अच्छा अब बाकी क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखो बोल रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ टोलन्स रिएजेंट। उसने आपको एक इक्वेशन लिख कर दी है और बोल रहा है हाउ डू वी नो दैट इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। मैडम आपको कैसे पता कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, बताइए। बहुत सिंपल है, देखो जो ए जी के ऊपर ये जो पहले चार्ज था ये प्लस वन था और अब ए जी ज़ीरो हो गया, मतलब प्लस वन से ये ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ए जी का वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिडक्शन के बेसिस पे मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ करके मैडम ये रिडॉक्स है, क्योंकि रिडॉक्स का मतलब है कि रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो जो एल्डिहाइड था ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया आर सी ओ ओ नेगेटिव में और ये इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और साइमल्टेनियसली रिडक्शन दोनों हो रहा है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोट्स में इंक्लूड करना है, इसको आप प्रॉपर तरीके से टारगेट से लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। तो जितना तुम्हें अभी तक मैं पढ़ाई आज के नोट्स मार्किंग में, उसका हमने एक बार एक्सरसाइज वाला वर्जन देख लिया है, इसके आगे की नोट्स मार्किंग अब हम कल करेंगे। कल की जो नोट्स मार्किंग है वो केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में है। बहुत सारी रिएक्शंस है, कम से कम मेरे हिसाब से 7 से 8 रिएक्शंस तो होंगी मिनिमम। देखो जी तक तो मेरे को दिख रहा है ज़्यादा ही यार, कहाँ गया बहुत सारी हैं, ये क्रॉस कैनिजारो उसके बाद ज़्यादा है। मतलब इसको, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस वाली मार्किंग वाले वीडियो को हम 2 पार्ट्स में ब्रेकअप करेंगे ताकि बन सकें सवाल, ठीक है। और उसके अलावा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह ठीक है, हो जाएगा 5-6 राउंड में ये मार्किंग ख़त्म हो जाएगी। खैर बाकी फिर चैप्टर्स जो हैं अमाइंस, यही इकलौता चैप्टर हमारा बचता है ना, इसको पढ़ने के बाद तो सिलेबस आप घर से क्लोज कर सकते हो। इसका चैप्टर खैर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। और भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स हैं पूरे सिलेबस में जिनकी मार्किंग नहीं करवाई है, बट ऐसा मत सोचना कि मार्किंग मैडम आपका काम है, अगर आपने मार्किंग नहीं कराई तो मतलब आपका सिलेबस पेंडिंग है। मेरा काम पढ़ाना है, मार्किंग करना तुम्हारा काम है। ये मैं काम किस लिए करूँ, ताकि तुम अपना भेजा कम चलाओ, जो भेजा बचा थोड़ा बहुत भी है उसको लर्न करने में यूटिलाइज़ करो इसीलिए, ठीक है। अगर मैं कुछ चैप्टर्स की नहीं कराती हूँ डजंट मीन्स कि मेरी तरफ से सिलेबस पेंडिंग है। मेरा सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी है अमाइंस, जो कि हम लोग ऑब्वियसली कि इसके ख़त्म होने के बाद शुरू ही कर लेंगे, है ना। चलो फिलहाल